नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आपने सुना होगा ध्यान ऐसी चीज है जहां से आप वो सब कुछ अर्जित कर पाते हैं जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए। अलग अलग प्रकार की मुद्राएं आपको अलग अलग चीजें प्रोवाइड करती हैं। ये आपका हाथ, आपकी हथेली में तमाम ग्रहों नक्षत्रों का वास होता है। इसमें आप जहां जिस चीज का प्रेशर, जिस जगह पर प्रेशर करेंगे, वो चीज का बल बढ़ता है, वो चीज आपको प्राप्त होती है। मैंने कई वीडियो डाली है कि इस जगह आप हल्दी घिसे, इस जगह आप दूध डाल करके दूध को घिसे, कुछ देर के लिए दूध रखे, आपके शुक्र मजबूत होंगे, आपके गुरु मजबूत होंगे, आपके चंद्र मजबूत होंगे। ऐसे तमाम उपाय मैं बता चुकी हूँ जो आपको अपनी हथेली के ऊपर करने हैं। ये दोस्तों जो पहली उंगली है, ये आपके गुरु से जुड़ी हुई है। दूसरी मध्यमा, ये शनि से जुड़ी है, अनामिका। तीसरी ये सूर्य से जुड़ी हुई उंगली है, और लास्ट वाली बुध से जुड़ी हुई है। आपको किस चीज को डेवलप करना है, आप उस मुद्रा को यदि करते हैं, उस उंगली का यूज करते हैं और सही मंत्र बोलते हैं, आपको वो चीज भरपूर मात्रा में मिलती है। तो दोस्तों, हर व्यक्ति, सबसे पहले तो ये जरूरी है कि आपके पास ज्ञान हो, आपके पास ज्ञान हो, क्योंकि ज्ञान ही ऐसी चीज है जो इंसान को जानवरों की कैटेगरी से अलग रखता है। ज्ञान आपको सभ्यता देता है, ज्ञान आपको ये बताता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक जीव को संपूर्ण व्यक्ति ज्ञान ही बनाता है, बराबर। दोस्तों, एक छोटा सा उपाय, वैसे तो इसके तमाम जो और भी मुद्राएं हैं मैं आपको बताती रहूंगी, लेकिन गुरुवार का दिन है तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय जरूर बता दूं कि आज के दिन, गुरुवार के दिन, आप अपने घर में मुंह हाथ धोकर, नहा धोकर, स्वच्छ होकर के, पलाथी लगा करके बैठे, आपका मुंह या तो पूर्व दिशा की ओर रखे या ईशान कोण की तरफ रखे, जो ईशान दिशा है, ईशान कोना हो, उस तरफ आप अपना मुंह रखे, पलाथी लगा करके बैठ जाए और दोनों ही हाथों को ऐसे अंगूठा और पहली उंगली इस टाइप से आपको मिला देना है। दोनों ही उंगलियों को आपको ऐसे मिला देना है और ऐसे आपको बैठना है, ठीक है। दोनों ही हाथों को आपको ऐसे अपने घुटने के ऊपर रख लेना है, पलाथी लगा करके बैठ जाए, आंखों को आधी खुली आधी बंद रखें। उसके बाद कुछ देर के लिए आप अपनी सांसों पर कंसंट्रेट करें, सांसों पर आप पूरा ध्यान दें और अपने ध्यान को, जो आपका ध्यान बाहर की दुनिया में, वहां से हटाकर सांसों के ऊपर लेकर के आए। कुछ देर के लिए ऐसा करने के बाद आप देखेंगे आपका मन एकाग्र होने लग जाएगा। दोस्तों, एकाग्र मन खजाना है हर चीज का, जो भी आपको चाहिए। इस तरीके से बैठने के बाद आप कंटिन्यू या तो वो मंत्र बोले जो आपके इष्ट देव का है, जो भी आपके इष्ट देव हो, कोई भी देवी देवता हो सकता है, या फिर आप बोले ओम, सिर्फ ओमकारा लगाना है आपको, जितना लंबा लगा सकते हैं उतना लंबा लगाए। पहले सांस को अंदर की तरफ खींचे, उसके बाद में इस मंत्र को, इस एक अक्षर को, दोस्तों ओमकार, इसी से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, सभी देवी देवताओं की इसी से उत्पत्ति हुई है, यह शिव स्वरूप है। यदि आप कंटिन्यू 5 मिनट ओमकार का जाप करते हैं, आप ब्रह्मांड के तमाम रहस्यों से अवगत होने लग जाएंगे।
ये जरूरी नहीं है कि आप कंटिन्यू 5 मिनट जोर से ही बोलते रहे। अगर आपका ध्यान लग जाता है, आप बिल्कुल शांत चित्त बस ध्यान में चले जाएं और देखें कुदरत आपको क्या देना चाहती है। उस समय आपको कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, और आपसे ज्यादा ये कुदरत, ये प्रकृति जानती है कि उसे आपको क्या देना है। आपको कुछ भी मांगना नहीं है, आपको कुछ भी कहना नहीं है, बस खुद को भूलना है और कुदरत को याद करना है। दोस्तों, यदि आप गुरुवार से शुरुआत करते हैं, एवरीडे 5 मिनट, यदि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बैठते हैं बहुत अच्छा रहेगा, दोपहर को, शाम को, दिन में जब भी आप फ्री हो जाते हैं, रात को बैठें, रात को जब आप सारा काम आपका फिनिश हो जाए तब आप बैठ जाएं। 5 मिनट के लिए इस टाइप से इस दिशा में मुंह करके आप ओमकारा लगाएं। कुछ ही दिन में दोस्तों आप देखेंगे आपकी तमाम इच्छाएं अपने आप पूरी होने लग जाएंगी, सारे काम अपने आप होना शुरू हो जाएंगे। आप खुद, आपकी खुद की समझ में चीज आने लग जाएगी कि आपके आसपास कोई ना कोई चीज मौजूद है, कोई शक्ति आपका आपका साथ दे रही है, कोई शक्ति आपकी मदद कर रही है, कोई शक्ति आपको संकटों से बचा रही है, कोई चीज आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है, कोई शक्ति, एक जैसे माँ अपने बच्चे के साथ होती है, ऐसे शक्ति जो अच्छी चीज है वो आपके साथ आ जाएगी और आपका साथ देने लगेगी हर काम में। और जो आप अपने आप को भूल गए हैं वो आपको धीरे धीरे याद आने लग जाएगा कि आप कौन है। जीव खुद को भूल गया है इसलिए वो छोटा होता जा रहा है। जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी आत्मा की शक्ति बहुत पावरफुल है, और जितने पीछे पड़े हुए हैं आप देखना उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल नहीं है, उनके अंदर अंतर की जो उनकी शक्ति होना चाहिए वो नहीं है, उनकी आवाज में कोई रणकार नहीं है, ना उनके अंदर एक शांत, एक ऋषि जैसी शांति हो कि एक समुद्र भी पी जाए शांत बैठा रहे, वो विशालता उनके अंदर नहीं मिलेगी। ये सब आपके अंदर तब आएगा जब आप ओमकार के अंदर जाएंगे। ओमकार हर चीज का सर्जन करता है, वो उस चीज का आपके अंदर सर्जन करेगा जो आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं बीज पड़ा हुआ है पर सर्जन नहीं हो रहा है, उस चीज का सर्जन होना शुरू होगा। और अध्यात्म की ओर जब भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई नई चीज डेवलप करना चाहते हैं, गुरुवार का दिन बहुत श्रेष्ठ होता है। गुरुवार का दिन ब्रह्मदेव का दिन है, ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति की। कोई भी नई चीज की शुरुआत यदि करनी है, गुरुवार का दिन बहुत बढ़िया होता है, बहुत श्रेष्ठ होता है। अपने गुरु का नाम लें, ब्रह्मा जी का नाम लें, चीज की शुरुआत करें और उसके बाद भगवान श्री हरि के आशीर्वाद लें, क्योंकि वही आपकी इच्छाओं को संचालित करते रहते हैं। शिव जी को बिल्कुल भी याद करना ना भूलें, क्योंकि शिव जी के आशीर्वाद के बिना कोई भी चीज संभव नहीं है। इसके लिए जो लोग गुरुवार के दिन दोस्तों भगवान दत्तात्रेय का स्मरण करते हैं, हर जगह उन्हें जीत हासिल होती है। भगवान दत्तात्रेय में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का ही अंश है। तो जो लोग भगवान दत्तात्रेय में बिलीव करते हैं, वे लोग गुरुवार के दिन इस मुद्रा में बैठ करके भगवान दत्तात्रेय को भी याद कर सकते हैं, दत्तात्रेय का मंत्र भी बोल सकते हैं। सफलता आपके चरण चूमेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। कुछ दिन करके देखें, करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।